सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि पिक्सेल लैब कैसे यूज़ करें, हाउ टू पिक्सेल लैब यूज़। तो कैसे हम लोग पिक्सेल लैब यूज़ करें, इसका यूज़ क्या होता है, किस काम के लिए इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो कुछ समय मैं एक वीडियो बनाया था कि न्यू यूट्यूबर के लिए 50 एप्स इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से मैं 10 ऐप को सिलेक्ट कर लिया। इसको बारे में मैं 10 वीडियो बनाऊँगा 10 दिन, ठीक है। तो ये रेगुलर भी आ सकता है या तो एक दिन बाद बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर वीडियो है, मैं और बता दूंगा कि ये सेकंड नंबर वीडियो, थर्ड नंबर जब वीडियो आएगा तब, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग कि इसको पिक्सेल लैब को कैसे यूज़ करें या तो किस काम का आता है। तो इसके लिए तो आप लोगों को जान लेना है कि ये एप्लीकेशन कैसे मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी को पास ये एप्लीकेशन होगा। सिंपली आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाओ, जाके यहाँ पे गूगल में आके यहाँ पे सर्च लिखो पिक्सेल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स, यहाँ पे सिंपल ये लिख दोगे तो ही आ जाएगा पिक्सेल लैब, ठीक है। तो सिंपली इसे आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एक ही बात है, डाउनलोड इंस्टॉल। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बैक करके हम लोग सिंपली हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सिंपली डिलीट कर दे। आप लोगों को बता दूं कि ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, वो आप लोगों को दे देना है, ठीक है। या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे दिया है इस एप्लीकेशन का, वहाँ से भी आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, वॉइस के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मतलब समझ सकते हो मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो नाइट में वीडियो बनाता हूँ और एडिटिंग करके पूरा रेडी करके रखता हूँ, सुबह अपलोड कर देता हूँ, जब मतलब समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, मुद्दे के बाद पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को जो पेज है वो सिलेक्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कि क्लिक कर दिया, करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग सिंपली इमेज साइज़ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, सॉरी, हम लोग सिंपली इमेज साइज़ पे क्लिक कर दिया। करने के बाद हम लोगों को कौन सा साइज़ करना है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो कस्टम देख रहा हो, यहाँ पे अभी ये 1280x1280 का साइज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर साइज़ है। तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पे जो देख रहा हो कॉर्नर, इसके ऊपर हम लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे स्क्वायर साइज़, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे फेसबुक आर्ट, यहाँ पे गूगल प्लस, ट्विटर में कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपली जी हम लोगों को यूट्यूब थंबनेल बनाना है। आप लोग यहाँ से मैं बता दूँ कि आप लोग सिंपली यहाँ से जो स्क्वायर साइज़ है, यहाँ से आप लोग लोगो भी बना सकते हो या जो कोई में भी लोगो बना सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगा कैसे लोगो बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपली अभी इसके ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, सॉरी इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग पहले जानूंगा सीखूंगा कि थंबनेल कैसे बनाता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जान समझ ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी तरह से इंटरफेस आ गया। तो हम लोगों को ये कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हो ना, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी तरह सेंटर पे जाया, हम लोगों को सिंपली अभी यह कलर पे सिलेक्ट कर मतलब क्लिक कर देना है, टच कर देना है, कलर चेंज करना है हम लोगों को इसलिए। तो हम लोग सिंपली कलर पे टच कर देता हूँ, इसी तरह सेंटर पे आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे जो देख रहा हो, यहाँ पे कलर, यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहा हो, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि क्लिक कर दिया, करने के बाद यहाँ से आप लोग जो कोई भी कलर हो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी आप लोग प्लस के जो आइकन यहाँ पे देख रहा हो, यहाँ से सिंपली क्लिक करके अपना मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं क्लिक कर दिया, करने के बाद पूरा रेड करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, देख सकते हो आप लोग, समझ सकते हो। तो मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जैम कलर है। तो मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आप लोगों को सिंपली अभी जो करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट पर क्लिक कर दिया, ये कलर हम लोगों को सेट हो गया, ठीक है। सो गाइस, अभी हम लोगों को जो टेक्स्ट फोटो वगैरह वगैरह यहाँ पे लाना है, ऐड करना है, इसको लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लस के एक ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग सिंपली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कॉर्नर में
प्लस के एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोग सिंपली क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी तरह से कुछ एंटर पे जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है टेक्स्ट, ठीक है, मतलब अब अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, तो वो है ये टेक्स्ट, मतलब लिखने के लिए यहाँ पे करंट डेट जो कि डेट आप लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो होता है स्टिकर, आप लोग कोई सा भी यहाँ से स्टिकर लगा सकते हो जो कि थंबनेल में शो करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कीवर्ड से अगर आप लोग कोई इमोजी स्टिकर वगैरह वगैरह लेते हो तो वो थंबनेल में ऐसे दिखाई देगा, जब सेव हो जाएगा तब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सिंपली स्टिकर ले सकते हो, यहाँ से सेव हो सकता है, और यहाँ से आप लोग फ्रॉम गैलरी पर जाके जो कोई जैसा भी हो आप लोग फोटो से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ, आप लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, सबको काम मैं बता दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को सिंपली अभी टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो टेक्स्ट पर फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोगों को कुछ लिखना है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, लिख सकते हो कि पिक्सल लैब, पिक्सल लैब का ऐसे कर दिया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसी तरह से कुछ कर दिया। तो करने के बाद फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोगों को पहले इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिलेगा नहीं है। तो अब इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कम यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, फुल ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, ठीक है, फुल ट्यूटोरियल, ठीक है, लिख दिया। यहाँ से सिंपली यहाँ पे डाल दिया। तो हम भी हम लोगों को ये अच्छा से देखना है कि कैसे यहाँ पे लिखूँगा, कैसे यहाँ पे सेट करूँगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों को खुद ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि हम लोगों को पास ही अच्छा लगेगा तभी किसी को पास अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को क्या कर लेना है अभी, सिंपली आप लोगों को एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है, आपको जो खुद का फ़ोटो हो, ठीक है, तो वो सिंपली आप लोगों को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो मैं चूज़ कर लिया, ठीक है। आप लोग चाहो तो दूसरा मॉडल की भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो यहाँ पे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। रखने के बाद ये वाला थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पहले फ़ोटो को यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। लॉक करने के लिए सिंपली आप लोगों को लॉक पर क्लिक करके इसको क्या करना चाहूँगा, अभी छोटा कर दिया, यहाँ अब ये अच्छा से मिल गया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा यहाँ पे ले सकते हो, ये भी थोड़ा ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉक को अनलॉक कर देता हूँ, ये ऊपर ले सकते हो, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे आप लोग और कुछ भी, जैसे कि इस ऐप का जो लोगो है वो भी आप लोग यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मैं ये थोड़ा डाउन पे रख दिया, तो इसको भी थोड़ा डाउन पे रख दिया, इसको भी थोड़ा ऊपर ले दिया, ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इस यहाँ से हम लोग सिंपली जो एप्लीकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, लोगों का। जैसे कि ये रहा एप्लीकेशन, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, होम गैलरी पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद इसको इसी तरह से कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ
आप लोग चाहो तो अच्छा से और मिला सकते हो। मैं सिंपली ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे मिला लेता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो अच्छा तरह से ये डिज़ाइन हो गया। तो हम लोगों को सिंपली ये जो टेक्स्ट का कलर है उस चेंज कर लेना है। इसके लिए ए पर क्लिक कर देना आप लोगों को। करने के बाद इसको कलर चेंज करता हूँ, पहले इस कलर बेस्ट है मेरे पास। तो इसको देखो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पर आ जाओ, बोर्ड पर क्लिक कर दो। इसको फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा यहाँ पर आ जाओ, इसको इनेबल कर दो। अभी थोड़ा कुछ दिख रहा है, ठीक है, रेड दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वाइट कलर दूंगा फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक सबसे अच्छा होगा यहाँ पे। तो हम लोग ब्लैक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको जीरो कर देता हूँ, इसको इनेबल करके यहाँ पे दो पे रख देता हूँ, ये भी दो पे रख के राइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सिंपली ये सेंटर में लेना है, ठीक है, सेंटर में ले लिया। तो अभी इसको हम लोग सिंपली स्टॉक कर देते हैं, इसके लिए बीच में क्लिक कर देना आप लोगों। करने के बाद स्टॉक पे क्लिक करके इसको रेड कलर व्हाइट कलर कैसे दिखेगा, इसको अच्छा नहीं दिखेगा ना। ये कलर सबसे अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो अभी हो गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी कलर चेंज कर लेता हूँ हम लोग, ठीक है। इसको कलर हम लोग रेड रख लेता हूँ, ठीक है। ये कलर सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। इसको बोर्ड कर लिया, स्ट्रोक इनेबल कर दिया, इसको रेड पर क्लिक करके फिर से हम लोग इसको ऊपर क्लिक करके इसको जीरो बना के इसको क्लिक करके इसको दो बना दिया, इसको भी दो बना दिया। अभी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है मेरे पास, ठीक। तो अभी यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल को भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं वाइट रखूँगा, वाइट रख दिया, ठीक है। वाइट रखने के बाद यहाँ पे बोर्ड पर क्लिक करके वाइट कर दिया, यहाँ पे स्टॉक पर क्लिक कर दिया, इसका चेंज कर दिया। सो गाइस मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि समझ ही सकते हो कैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया हम लोग इसको, तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छा से मिला लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको थोड़ा इसे मिला लिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या काम है, ठीक है। तो मेरे को यही सही लग रहा है ये, ठीक। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे और क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट का जो ई है वो हम लोगों को चेंज कर लेना है। फॉन्ट यहाँ पे ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फॉन्ट, ठीक है। तो इसका भी फॉन्ट मतलब चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका देख सकते हो आप लोग, तो चेंज हो गया। तो अभी हम लोगों को ये सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग पहले इसको पर क्लिक करो, मेरे डाटा को ऑफ कर लेता हूँ, आप लोग डाटा ऑफ कर लेना, क्योंकि अगर डाटा ऑफ नहीं करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो मतलब क्या बोलते हैं ऐड का प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो करके हम लोगों को सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम लोग पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको सेव करके इसके बाद यहाँ पे, सो गाइस अभी यहाँ पे आप लोगों को सेव करने के जगह में बोल देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे सेव अस पे, अगर आप लोग यहाँ पे सेव अस पे क्लिक कर दोगी, यहाँ पे इसका मतलब है प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगी, तो आप लोग अगर ये सेव करके रखोगी प्रोजेक्ट पे, तो कभी भी ये पिक्सेल लैब से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको इसे रखोगे तो यहाँ पे सेव करके
यहाँ पे से आप लोगों को यहाँ बहुत मिलेगा ऑप्शन। अगर आप लोग यहाँ पे सेव करोगे तो कभी एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम जो देख रहा हो, यहाँ पे अगर ये सेव कर दोगे तो कस्टम जैसा है वैसे रहेगा। लो पर कर दोगे तो क्वालिटी लो हो जाएगा, मीडियम पर कर दोगे तो मीडियम रहेगा, हाई पर कर दोगे तो हाई हो जाएगा, वेरी हाई पर कर दोगे तो वेरी हाई हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा अल्ट्रा कर दो, मैं रिकमेंड करूँगा ही आप लोग ये जो ऑप्शन है अल्ट्रा पे कर दो, ठीक है। ये सारा पे मत किया करो, अदरवाइज आप कर सकते हो, लेकिन मेरे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अल्ट्रा पे करो, ठीक है। तो अल्ट्रा सबसे बेस्ट है, तो मैं हमेशा अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बात आता है कि हम लोगों को जो ये फ़ोटो है ना, अभी अट्रैक्टिवली नहीं लग रहा है, कुछ मतलब खास नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए सिंपली फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। करने के बाद बीच वाला जो सेंटर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर स्ट्रोक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे कौन सा कलर बेटर दिखेगा, रेड नहीं, यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, ब्लैक कलर नहीं दिखाई, यहाँ पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मैश कर देता हूँ अभी, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे दूसरा कलर लेना है हम लोगों को, दूसरा कलर कौन सा लो, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, बेटर। तो हम लोगों को ये हो गया अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली सेव कर सकता हूँ, अल्ट्रा पर क्लिक कर दिया, ये सेव हो गया हम लोगों को, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लोगो कैसे बनाते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में सिर्फ थंबनेल के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग लोगो बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग यहाँ से आप लोग अदर कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।